बोकारो के औद्योगिक क्षेत्र बालीडी के बियाड़ा स्थित बीपीसीएल के एलपीजी वॉल्टिंग प्लांट के मेन गेट को विस्थापितों ने जाम कर प्रदर्शन किया। यह गेट जाम विस्थापित बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले किया गया। मोर्चा के अध्यक्ष बालेश्वर सिंह राठौर ने कहा कि बॉटलिंग प्लांट में विस्थापितों को दरकिनार कर बाहर से मजदूर लाकर काम कराया जा रहा है, जबकि विस्थापितों ने इस प्लांट को खड़ा करने में अपना योगदान दिया है, पर प्रबंधन अपने वायदे को भूलकर विस्थापितों को नियोजन देने से मुकर रही है। जबकि झारखंड सरकार की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है कि 75% स्थानियों को नियोजन देना है। वहीं हमारे 10 विस्थापित युवा को पूर्व में नियोजन में रखा गया, जिसे सीएलसी दर पर 750 रुपये का भुगतान ना करके 500 रुपये की मजदूरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो इस गेट को तब तक जाम रखेंगे जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता।